हाय डियर फ्रेंड्स, आई प्रशांत लखानी वेलकम्स यू वंस अगेन इन द वर्ल्ड ऑफ SYJC इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पार्ट 4। फ्रेंड्स, इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज TU एंड MU, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म टोटल यूटिलिटी TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी MU। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि टोटल यूटिलिटी इज टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी यूज्ड बाय अ कंज्यूमर, while marginal utility is an addition to total utility by consuming, by using one more unit of the same commodity. जब मैंने पांच पुनर्पोड़ी खाई थी, if you have remembered the example of our last session, जब मैंने ससुराल जाकर पांच पुनर्पोड़ी खाई थी, my total satisfaction was 25 units. And जब छठी ससुरे की पूरणपुरी आई, एंड माई टोटल यूटिलिटी इंक्रीज्ड अप टू 28 यूनिट्स, तो अकेली जो छठी ससुरे की पूरणपुरी थी उसको खाकर मुझे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला, जो एक्स्ट्रा खुशी मिली, दैट इज 28 माइनस 25, दैट इज 3 यूनिट्स। तो दिस इज द ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी दैट इज TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज MU। डियर फ्रेंड्स, ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है, यही रिलेशनशिप हमें एज अ कंज्यूमर हाउ टू बिहेव इन नॉर्मल सिचुएशन, इस सोच को समझने में हेल्प करेगा। फॉर दैट पर्पस लेट्स डू सम कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन विथ वन एग्जाम्पल। हमने लास्टली ये डिस्कस किया था कि वॉट एवर वी स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, वी शुड हैव सम एग्जाम्पल शेड्यूल डायग्राम ग्राफ एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा। तो ये रिलेशनशिप को समझने के लिए भी वी हैव वन शेड्यूल टेबल एंड डायग्राम विथ अस। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फेक्शन, इसको हम कार्डिनल अप्रोच दैट इज 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर में गिन सकते हैं। यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फेक्शन, इसको हम कार्डिनल अप्रोच, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा हम गिन सकते हैं, मतलब हम अपनी खुशी को नंबर में गिन सकते हैं, ऐसा थोड़ी देर के लिए हम मानिए। तो वी हैव वन टेबल वन शेड्यूल दैट इज 3 कॉलम्स, यूनिट्स टोटल यूटिलिटी दैट इज TU एंड मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज MU। वी हैव वन टेबल जहां पे TU है, MU है और यूनिट्स है, मतलब जो प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, जितनी बार कंज्यूम करेंगे वो सब यूनिट्स में लिखेंगे। जो हमें टोटल खुशी मिलेगी उसके कंजम्पशन से, उसको हम TU में लिखेंगे, और जो एक्स्ट्रा खुशी मिलती जाएगी आफ्टर एवरी एडिशनल कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट, वॉट एवर एक्स्ट्रा यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी वी फील उसको हम MU में लिखेंगे। टेबल बहुत आसान है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दैट इज यूनिट्स, TU में 10, 18, 24, 28, 28, 26, 22, MU में 10, 8, 6, 4, 0, 0 पे हमने लिखा है सेचुरेशन पॉइंट, then -2 and -4। डियर फ्रेंड्स, यहां पर हम इस टेबल को समझकर पूरे साल के लिए याद रखने के लिए एक एग्जाम्पल की हेल्प ले रहे हैं। सपोज मैं कोई बैकवर्ड एरिया में, छोटे से गांव कस्बे में रहता हूं, और
कुछ पीरियड पहले एक मूवी आया था कबीर सिंह। सपोज ये कबीर सिंह मूवी उस वक्त रिलीज हुआ, उसका ट्रेलर देखकर मुझे लगा ये बहुत धार्मिक मूवी है तो मुझे ये मूवी देखना है। सपोज गांव में एक ही थिएटर था और वो सिंगल स्क्रीन थिएटर था, नो मल्टीप्लेक्स, पीवीआर जैसा कुछ नहीं था, सिनेमैक्स जैसा कुछ नहीं था, आइनॉक्स जैसा कुछ नहीं था, सपोज सिंगल स्क्रीन थिएटर था। फ्राइडे को मूवी रिलीज हुआ और दोपहर के 12 बजे का पहला शो था, नून 12 to 3। मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो का टिकट बुक किया 12 to 3 कबीर सिंह मूवी के लिए, एंड आई हैव वॉच दैट मूवी फॉर वेरी फर्स्ट टाइम। टाइमिंग वॉज 12 to 3 नून फ्राइडे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, एंड आई गॉट 10 यूनिट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड 10 यूनिट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। पहली बार मूवी देखकर जो टोटल खुशी मिली और जो एडिशनल खुशी मिली बोथ वर सेम, दैट इज 10 यूनिट्स, क्योंकि ऐसा मूवी मैंने पहली बार देखा था। तो जो भी खुशी मिली वो सब टोटल थी और वही एडिशनल थी, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई मूवी मैंने देखा ही नहीं था। अब फ्रेंड्स, मेरे नेचर का एक प्रॉब्लम है, जो भी चीज मैं करूं मुझे उस हर चीज का डिटेल पंचायती पसंद है, वॉट एवर इट इज। जब ये मूवी पहली बार मैंने देखा, क्लाइमेक्स तक सब कुछ समझा, लेकिन बीच में एक सीन है फ्रेंड्स जहां पे शाहिद कपूर मूवी के स्टार्टिंग में कॉलेज में पंजाबी में आके कुछ अनाउंसमेंट करता है हीरोइन की एंट्री के बाद, और मुझे पंजाबी समझता नहीं है, तो व्हाट आई थॉट कि मुझे ये मूवी दूसरी बार देखना है, तो व्हाट आई डिड, ए टॉर्च कम हियर। पता है वो टॉर्च, थिएटर में एक टॉर्च वाला रहता है, सबके सीट नंबर दिखा के वहां बैठिए वहां बैठिए, राइट ना फ्रेंड्स। ये सीट नंबर दिखाना, चेयर दिखाना, ये तो बहाना है, बाकी मूवी चालू होने के बाद वो टॉर्च घुमा के देखते रहता है कि बाकी और कहां कहां मूवी चल रहा है, जस्ट किडिंग। तो फ्रेंड्स व्हाट आई डिड, ए टॉर्च कम हियर, सेम मूवी सेम थिएटर सेम चेयर, सेकंड शो कंटिन्यू, ले टिकट का पैसा। तो मैंने सेकंड शो कंटिन्यू किया, टाइमिंग वॉज 3 to 6 एंड आई हैव वॉच दैट मूवी, आई हैव सीन दैट मूवी फॉर सेकंड टाइम, दैट इज सेकंड मूवी। माय TU increased and reached up to 18 units. आप बोलेंगे सर जब आपने पहली बार देखा तो 10 यूनिट था, तो दूसरी बार में ये 20 यूनिट होना चाहिए था, यू आर राइट, होना चाहिए था, पर ये 18 पे अटक गया क्योंकि अब मुझे मूवी का क्लाइमेक्स पता था, मुझे पता था एंड में क्या होना है, तो वो जो क्यूरियोसिटी होती है कि सस्पेंस जो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो फ्री था तो चलो भाई मूवी देख लेते हैं दूसरी बार, पूरा मूवी समझ लूं। तो माय TU इंक्रीज्ड, डिक्रीज नहीं हुआ है, इंक्रीज्ड एंड रीच्ड अप टू 18 यूनिट्स। अब यहां पे आके कोई मुझे पूछे कि सर ये सेकंड शो से आपको एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फेक्शन मिला, एक्स्ट्रा खुशी कितनी मिली, तो माय आंसर इज 8 यूनिट्स। कैसे आया ये 18 माइनस 10, प्रीवियस का 10 था सॉरी तो उसको डिडक्ट कर दिया, तो 18 माइनस 10 दैट इज 8 यूनिट्स। अब शाम के 6 बज चुके थे, दो बार मूवी हो चुका था, समा है सुहाना सुहाना फ्रेंड्स। अब उसमें जो एक गाना है और एक सीन है जहां पर चालू बाइक में हीरो हीरोइन किस कर सकते हैं, मुझे सब समझना था कि ये सब कैसे होता है, क्योंकि मैं तो कभी ये सोच ही नहीं पाया ऐसा कुछ पॉसिबल है, तो मुझे वो समझना था। मूवी तो समझ में आ गया सब, अब मुझे ये चीज समझनी थी, तो व्हाट आई डिड, ए टॉर्च कम हियर, थर्ड शो, सेम मूवी सेम थिएटर सेम चेयर, ये ले टिकट का पैसा, टाइमिंग वॉज 6 to 9, आई हैव सीन मूवी फॉर थर्ड टाइम, दैट इज थर्ड यूनिट। माय TU फर्दर इंक्रीज्ड एंड रीच अप टू 24 यूनिट्स। देखिए फ्रेंड्स, पहली बार में 10 यूनिट,
तो दूसरी बार में 20 और तीसरी बार में 30 तक जाना चाहिए था। लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट ना तो मूवी में था, ना तो क्लाइमेक्स में था, अब मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वो एक भजन में था जहां पे शाहिद कपूर को प्रसादी मिलती है। जस्ट किडिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। फिर ये सब याद रखने का तरीका होता है। तो माई टी यू इंक्रीज्ड एंड रीच अप टू 24 यूनिट्स एंड माई एम यू वॉज 6 यूनिट्स। अब ये कैसे आया? तो थर्ड का था 24 टी यू माइनस ऊपर वाला 18 यूनिट्स डिडक्ट कर दिया टी यू का। तो थर्ड यूनिट में, थर्ड शो में जो मुझे एक्स्ट्रा खुशी मिली, इट वॉज जस्ट 6 यूनिट्स। रात के 9 बज चुके थे। फ्रेंड्स, मैं 3 बार मूवी देखकर शाहिद कपूर के रोल से, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल, उसका बाइक चलाने का तरीका, उसकी वॉकिंग स्टाइल, चीखना चिल्लाना, वड़ा पाऊ 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 वड़ा 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 पाऊ, वो जो म्यूजिक बजते रहता है, ये सबसे काफी इंप्रेस हो चुका था। तो मुझे ये सब चीज वापस एंजॉय करनी थी कि उसकी ड्रेसिंग स्टाइल जो है मैं उसको फॉलो करूं, लेटेस्ट फैशन क्या चल रहा है, उसका कुछ डायलॉग्स, ये मेरी बंदी है। तो कुछ चीजों से मैं काफी इंप्रेस हो गया था फ्रेंड्स। तो व्हाट आई डिड, रात को 9 बज चुके थे, ए टॉर्च कम हियर, सेम मूवी, फोर्थ शो, सेम थिएटर, सेम चेयर, ये ले टिकट का पैसा। टाइमिंग वॉज 9 to 12, 9 से 12। आई हैव सीन मूवी फॉर फोर्थ टाइम। माय टोटल यूटिलिटी इंक्रीज्ड एंड रीच अप टू 28 यूनिट्स। अब यहां पे आके कोई पूछे कि सर अकेले चौथे शो से आपको एक्स्ट्रा कितना मजा आया, क्योंकि बीच में 3 बार तो मैं बाहर जाके समोसा खा के वापस आया था, क्योंकि अब मुझे मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब मुझे सिर्फ वो फैशन का ट्रेंड, उसके कुछ डायलॉग्स, उसकी कुछ स्टाइल, बस उसी को फॉलो करना था, उसी को ऑब्जर्व करना था। तो माई एमयू इन फोर्थ शो वॉज जस्ट 4 यूनिट्स, 28 माइनस प्रीवियस वाला 24, 28 माइनस प्रीवियस वाला 24, तो इट वॉज जस्ट 4 यूनिट्स। अब मेरी आंखें भारी हो चुकी थी, आप भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 4 बार एक का एक मूवी कंटिन्यू देखकर क्या बचता होगा। शाहिद कपूर तो ड्रिंक करके बैठा था, मेरी हालत तो उसके बगैर भी ऐसी हो गई थी विदाउट ड्रिंक। अब सोचा कि घर जाऊं। फ्रेंड्स, अब याद आया कि एक मोबाइल मेरे पास है जो सुबह से स्विच ऑफ है, और घर पे एक बीवी है जो स्विच ऑन होगी। अब मैं सोच रहा था कि जैसे मैं स्विच ऑन करूं फोन, तुरंत घंटी बजेगी, कहां पे हो, क्या कर रहे हो, तो क्या जवाब दूं। सोचा झूठ झूठ बोल दूं कि लेक्चर ले रहा हूं, तो वो भी इंटेलिजेंट तुरंत पूछेगी, स्टूडेंट्स का आवाज तो नहीं आ रहा है। तो सोचा किसी थिएटर में से किसी को बोलूं कि एक्सक्यूज मी, थोड़ा झूठा झूठा ऐसा पूछो, सर ये डायग्राम कहां से आया, सर ये आंसर कहां से आया। पर मैं कुछ बोलूं, किसी को रोकूं, उसके पहले देखा तो पूरा थिएटर क्लीन। रात को 12 बजे हर किसी को घर जाने की जल्दी होती है, पूरा थिएटर निकल चुका था। सोचा एक काम करता हूं, अब वो जो टॉर्च वाला था वो मेरा फ्रेंड बन चुका है, उसको बुलाऊं। अब मैं उसको बुलाऊं, उसके पहले वो खुद ही आ गया, बोले सर हमारे मैनेजर आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों, बोले पता नहीं। उतनी देर में मैनेजर आया, सर आपने ये सेम मूवी एक ही चेयर पे बैठकर 4 बार कंटिन्यू देखा। मैंने कहा कोई गुनाह हो गया, बोले नहीं सर एक रिक्वेस्ट है, इसके पहले भी हमारे वहां पर किसी एक बंदे ने 4 बार ये ऐसा कोई मूवी कंटिन्यू देखा था, तो उसके नाम पे एक रिकॉर्ड बन चुका है, सर एक रिक्वेस्ट है। फिफ्थ शो मिडनाइट 12 to 3, रात को 12 से 3, ओनली फॉर यू हम चलाएंगे, कल न्यूज़पेपर में आपका नाम आएगा कि आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया 5 बार एक मूवी देखकर। मैंने कहा इसमें तेरा क्या फायदा, बोले सर साथ में हमारे थिएटर का भी नाम आएगा और आपको टिकट का पैसा भी नहीं देना है, टोटल फोकट में शो, बीच में थम्सअप, समोसा, पॉपकॉर्न सब फोकट। अब जहां पे मोफत बात आती है वहां पे मैं रुक जाऊं, तो मैंने हां बोल दिया, फोकट की बात थी। तो फिफ्थ शो आई हैव सीन मिडनाइट 12 टू
3. Believe me, friends, my total utility did not increase at all. It was remained constant at 28 units only. ये 28 पे आकर अटक गया. ना वो ऊपर गया ना वो नीचे आया. तो इट वॉज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट एट 28 यूनिट्स. यहां पे आके कोई मुझे पूछे कि सर आपको फिफ्थ शो में, अकेले फिफ्थ शो में एक्स्ट्रा कितना मजा आया, माय आंसर वाज जीरो यूनिट्स. 28 माइनस प्रीवियस वाला भी 28, तो इट इज जीरो यूनिट्स. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट. सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल. मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल. फ्रेंड्स, हर एक की लाइफ में कुछ चीजों को लेकर ऐसा एक वक्त आता है जब कोई चीज आपको एक मैक्सिमम लिमिट तक खुशी देने के बाद वहां पे थम जाए, रुक जाए. अगर उसके बाद भी आप उस चीज से जुड़े हुए रहते हो तो आफ्टर सम टाइम वो आपको कोई खुशी नहीं देगी, वो चीज आपको कोई खुशी नहीं देगी. दैट इज सैचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल. सच बताऊं तो फ्रेंड्स, फिफ्थ शो में मैं मूवी देख ही नहीं रहा था, मेरा मूवी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था. फिफ्थ शो के वक्त ना तो मेरा इंटरेस्ट कोई मूवी में था, ना क्लाइमेक्स में था, ना भजन में था, ना फैशन में था. अपना इंटरेस्ट सिर्फ फोकट के भोजन में था. तो मूवी में कोई लाइकिंग नहीं था, इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा खुशी उस फिफ्थ शो से नहीं मिली. फ्रेंड्स, अब रात के 3 बज चुके थे. अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी. अब तो ये भी पक्का हो गया कि मैं जैसे ही फोन स्विच ऑन करूं ये झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा कि लेक्चर था. इतना लेट तक लेक्चर नहीं होता है, किसी को भी समझता है. मैं कुछ सोच पाऊं उससे पहले मैनेजर वापस आया, बोले सर आप प्रशांत सर? मैंने कहा तेरे को कैसे पता? बोले आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर? मैंने कहा तेरा कैसे पता, तेरे को कैसे पता ये सब? बोले दोपहर के 12 बजे से फोन स्विच ऑफ है. मैंने कहा भाई तेरे को ये सब कैसे पता? बोले आधी दुनिया को पता है. मैंने कहा कैसे? बोले टीवी की सभी चैनल के ऊपर आपकी वाइफ ने आपका फोटो और आपका डिटेल देके रखा है, आपण याला पायलट का मोस्ट वांटेड. मैंने कहा अरे बाप रे. बोले सर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने भाभी जी को कॉन्टेक्ट करके बोल दिया है कि आप जिनको ढूंढ रहे हो वो हमारे वहां पे दोपहर से कबीर सिंह मूवी देख रहे हैं. मैंने कहा अरे यार तू मेरा डिवोर्स कराएगा? बोले नहीं सर, भाभी जी का नेचर बहुत अच्छा है. मैंने कहा तुझे सिर्फ फोन में पता चल गया? बोले हाँ. मैंने कहा तू गलत जा रहा है भाई, वो नाखून मार के खून निकालेगी और मैं उफ तक नहीं कर पाऊंगा. बोले नहीं नहीं, भाभी जी ने कहा है उनको वहीं पर बिठाओ, वो भी यहीं पर आ रहे हैं. और उतनी देर में सच में मैडम खुद आ गए. मेरे तो पैर कांपना शुरू, कान पकड़ के कहा सॉरी डार्लिंग आई लव यू ना. बोलती आई लव यू टू, बैठिए ना. मैंने कहा डार्लिंग जो कुछ भी करना है घर जाके प्लीज. बोले नहीं. मैंने कहा डार्लिंग आज से मैं तेरी हर बात मानूंगा, बस तेरी हर बात मानूंगा. बोले पक्का? मैंने कहा एकदम पक्का. बोले तो बैठिए. मैनेजर साहब एक शो हम दोनों के लिए स्पेशली फॉर टू. रात को फ्रेंड्स, रात को 3 से 6 सिक्स्थ शो चलवाया गया. एंड बिलीव मी, माय टोटल यूटिलिटी डिक्रीज्ड अप टू 26 यूनिट्स. 2 कम हो गया एंड देयर इज व्हाई एमयू बिकेम नेगेटिव. देयर इज -2, 26 -28, तो इट इज -2 यूनिट्स. 26 -28, तो इट इज -2 यूनिट्स. अब तक जो भी खुशी मुझे कबीर सिंह मूवी से मिली थी वो तो सब चले गई. अब तो मुझे नफरत होने लगी. पूरे मूवी में मेरी वाइफ ये देख रही थी कि मूवी में क्या चल रहा है, मैं उसको देख के सोच रहा था कि वो मेरे बारे में कब क्या सोच रही है. और ऐसा करके सिक्स्थ शो खत्म हुआ. कोई पूछे चलो एक्स्ट्रा कितना मजा आया, अरे भाई सब मजे चले गए. इट इज -2 यूनिट्स. जैसे ही मूवी खत्म हुआ मैंने कहा सुबह के 6 बज चुके हैं, अब हम घर चले प्लीज.
बोलती है बैठिए ना, मैंने एक और शो के लिए पूरे थिएटर को बुक किया है। मैंने कहा व्हाट? बोलती है हाँ, इंटरवल में मैनेजर को जाके आपके सभी स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर दे दिए है और सबको ये मैसेज चला गया है कि आपके प्रशांत सर क्या कर रहे हैं उसके लिए आप आइए। और सब पूरा थिएटर बुक हुआ है, सभी स्टूडेंट्स आएंगे 12th के और आपके साथ कबीर सिंह मूवी देखेंगे। मैंने कहा स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। बोले आएंगे। मैंने कहा कैसे आएंगे? बोले पूरा शो बुक किया है 6 to 9 मॉर्निंग 6 to 9। फ्रेंड्स मॉर्निंग 6 to 9। मैंने कहा स्टूडेंट कैसे आएंगे, घर पे क्या बोलेंगे? बोले सब आपकी तरह मास्टर है, घर पे सब लोग ये बोलेंगे कि प्रशांत सर ने इकोनॉमिक्स का एक्स्ट्रा लेक्चर रखा है और बहुत टफ टॉपिक है, इसलिए सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बुलाया है फ्रेश माइंड से पढ़ने के लिए, और आप सब लोग बेशर्म भी आ गए हुल्लू करके, पूरा थिएटर पैक, आप सब लोग मूवी देखने लगे और मैं ये देखने लगा कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। 7th शो कंप्लीटेड सुबह 9 बजे, माई TU फर्दर डिक्रीज अप टू 22 यूनिट्स, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी प्रोफेशनल लाइफ सब खत्म। अब 7th शो के बाद कोई पूछे कि आपको एक्स्ट्रा कितना मजा आया, इट वॉज जस्ट -4 यूनिट्स। और ये कैसे आया? लास्ट वाला 22 माइनस उसके प्रीवियस वाला 26, तो 22 माइनस 26 इट इज -4 यूनिट्स। फ्रेंड्स ये तो अच्छा हुआ कि वाइफ ने ये नहीं कहा कि हम 8वां शो भी देखेंगे जहां पे आपके मम्मी डैडी और मेरे मम्मी डैडी आएंगे, वो लास्ट सेशन वाली सासू माँ जो पूरणपूरी खिला रही थी वो भी तो देखे कि आप क्या गुड़ खिला रहे हो। अगर ऐसा होता तो मुझे इतना गुस्सा आता कि जिस चेयर पे बैठ के मैं मूवी देख रहा था उसी को फाड़ के दूचा बना के मैं कबीर सिंह के मुंह पे मार दूं। फ्रेंड्स ये पूरी बात में नॉट अ सिंगल वर्ड इज करेक्ट, मैंने कबीर सिंह मूवी आज तक पूरा कभी देखा ही नहीं है। ये पूरा एक एग्जाम्पल था ताकि अब हमें ये पूरा टेबल समझ में आए। अगर मैं इस टेबल को इकोनॉमिकली एक्सप्लेन करूं बहुत अच्छे से समझा पाऊं तो एट द फर्स्ट यूनिट TU एंड MU बोथ आर सेम, दैट इज 10 यूनिट्स। फ्रॉम द सेकंड यूनिट TU इंक्रीजेस, बढ़ तो रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, मतलब बढ़ते हुए कम हो रहा है, या ऐसा बोले कम होते होते बढ़ रहा है, क्योंकि वो 10 से 18 पे गया, 18 से 24 पे गया, 24 से 28 पे गया, तो ये कम होते होते बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग। तो फ्रॉम द सेकंड शो TU इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, increases but at a diminishing rate, and MU decreases. At the fifth level, जब हम पांचवे शो पे आए, तो at the fifth level, TU is maximum and constant, that is 28 units, and MU becomes zero, that is saturation point. After fifth show, TU decreases, and MU becomes negative. This is a great relationship between TU एंड MU। कोई भी चीज शुरुआत में आपको TU और MU सेम खुशी देगा, जैसे जैसे आप उसका इस्तेमाल बढ़ाओगे तो आपका जो टोटल यूटिलिटी है TU जो है वो बढ़ेगा पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जो MU है MU वो कम होते जाएगा। एक लेवल पे आने के बाद TU मैक्सिमम और कॉन्स्टेंट हो जाएगा एंड MU विल बिकम जीरो। After some time,
TU will decrease and MU will become negative. MU will become negative. फ्रेंड्स ये हो गया शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स डायग्राम. इफ यू आर ऑब्जर्विंग द एडजोइनिंग डायग्राम, जो डायग्राम आपको बाजू में दिख रहा है, फ्रेंड्स ये डायग्राम अच्छे से समझिए, क्योंकि ऐसे 45 डायग्राम्स पूरे सिलेबस में हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे एंड वी हैव टू ड्रॉ इट. तो बहुत अच्छे से इसको समझिए. जो टेबल में तीन कॉलम थी उसी का इस्तेमाल करके हम इस डायग्राम को बना रहे हैं. एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बन गया जीरो, ओरिजिन जीरो. एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 11 सेमी के गैप के ऊपर हमने यूनिट्स ले लिए, जो सात बार मैंने मूवी दिखा वो नंबर. रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, डायग्राम मस्ट बी विथ पेंसिल. Pen is not allowed. And graph paper is not allowed. We have to draw diagrams in economics in normal answer sheet. Diagram ka koi alag se question nahi aayega. They won't ask special question on diagram. They will not mention even ke please draw the diagram in this answer. They will not mention it. You have to remember this, कि इस आंसर में यहां पर ये डायग्राम आएगा. तो फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पे यूनिट्स आएगा 1 2 3 4 5 6 7, वाई एक्सिस पे वी हैव टी यू एंड एम यू. जीरो के नीचे हम लेके जाएंगे -5. अगर आप अपना टेबल ऑब्जर्व करोगे ना तो -4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड योर लार्जेस्ट नंबर इज 28. तो -5 जीरो के नीचे, जीरो के ऊपर 5 10 15 20 25 30. जीरो के ऊपर 5 10 15 20 25 30. अब टेबल को ऑब्जर्व करो फ्रेंड्स, जस्ट ऑब्जर्व द टेबल फर्स्ट. अपना फर्स्ट यूनिट में टीयू और एमयू दोनों 10 है, तो 10 पे डॉट मार्क कर दिया, मार्किंग कर दिया. अब सेकंड यूनिट में टीयू 18 है तो 20 से थोड़ा नीचे, और एमयू 8 है तो 10 से थोड़ा थोड़ा नीचे, वहां पे डॉट मार्क कर दिया. अब थर्ड यूनिट में टीयू 24 है तो 25 से थोड़ा नीचे, थोड़ा, और एमयू 6 है तो 5 से थोड़ा ऊपर. फोर्थ यूनिट पे टीयू 28 है तो 30 से थोड़ा नीचे, और एमयू 4 है तो 5 से थोड़ा नीचे, उसको डॉट मार्क कर दिया. यूनिट 5 पे 28 वापस, ओके. एंड एमयू 0 पे, ना ऊपर ना नीचे, ना ऊंचू ना नीचू, एग्जिट एक्स एक्सिस पे डॉट मार्क कर दिया, मार्किंग कर दिया. ये सब हम मार्किंग कर रहे, पॉइंट्स रख रहे, पॉइंट्स डिनोट कर रहे पेंसिल से. ओके, आफ्टर दैट वी हैव यूनिट 6, जहां पे टीयू 26 है 25 से थोड़ा ऊपर, और एमयू -2 है एक्स के लाइन के नीचे. यूनिट 7 टीयू 22 है 20 से थोड़ा ऊपर एंड एमयू -4 है तो -5 से थोड़ा ऊपर. अब हम क्या करेंगे, पेंसिल से एक कर्व बनाएंगे फ्रेंड्स. कर्व मतलब विदाउट स्केल, विदाउट रूलर. पट्टी नॉट अलाउड. सभी टीयू के पॉइंट्स को अब इंटरकनेक्ट किया है फ्रेंड्स. 10 18 24 28 28 26 22 28, जो दूसरा वाला है वहां पे लिखा हुआ है सेचुरेशन पॉइंट, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल. तो आपका जो टीयू का कर्व है वो पहले ऊपर गया, स्लोप्स अपवर्ड, फिर वो कांस्टेंट हुआ और फिर वापस नीचे आया, स्लोप्स डाउनवर्ड. अब एमयू के लिए 10 8 6 4 0 -2 -4, इसको भी हम पेंसिल से कर्व बनाएंगे. तो एमयू का स्लोप्स डाउनवर्ड, वो एक्स को कट करके नीचे चला गया है. अगर मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूं फ्रेंड्स,
तो टीयू कर्व एंड एमयू कर्व बोथ बिगिंस फ्रॉम द सेम लेवल दैट इज 10 यूनिट्स. व्हेन टीयू कर्व स्लोप्स अपवर्ड, टीयू कर्व स्लोप्स अपवर्ड, टीयू कर्व स्लोप्स अपवर्ड, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, एमयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. व्हेन टीयू कर्व इज एट हाईएस्ट लेवल, दूसरा वाला 28 देखो, दूसरा वाला 28 देखो फ्रेंड्स, प्लीज वॉच दिस थिंग इन एडजॉइनिंग डायग्राम. एडजॉइनिंग डायग्राम में देखिए, बाजू में नजर कीजिए फ्रेंड्स, एडजॉइनिंग डायग्राम में देखिए. ओके, तो वहां पे जो दूसरा वाला 28 है वहां पे आपका कव रुक गया है, उसके ऊपर नहीं गया है. तो व्हेन द टीयू कव इज एट हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एमयू कव इंटरसेक्ट, कट करके निकला, इंटरसेक्स नहीं फ्रेंड्स, इंटरसेक्स कट करके निकला, एमयू कर्व इंटरसेक्स द एक्स एक्सिस, एमयू कर्व इंटरसेक्स द एक्स एक्सिस. व्हेन टीयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, व्हेन टीयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, व्हेन टीयू कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इन द एंड एमयू कर्व गोज बिलो एक्स एक्सिस, एमयू कर्व गोज बिलो एक्स एक्सिस, एमयू कर्व गोज बिलो एक्स एक्सिस. This is the great relationship between total utility and marginal utility. Friends, आपका डायग्राम कितना राइट और कितना रॉन्ग है अगर ये चेक करना हो तो, अगर ये चेक करना हो तो आपका जो दूसरा वाला 28 है यूनिट 5 है और जो जीरो है उसको चेक करके रखिए, पट्टी से देख लीजिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो योर डायग्राम इज 100% राइट, योर डायग्राम इज 100% राइट. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं चीटिंग सिखा सकता हूँ, अगर किसी का डायग्राम ड्राइंग पुअर है, कोई मेरे जैसा बुद्धू है जिसको लाइन मारने को नहीं समझता है, फ्रेंड्स मेरे को लाइन मारने को बिल्कुल नहीं समझता है, जिसको समझता है अच्छा है, जिसको नहीं समझता है उसके लिए बोल रहा हूँ, यू कैन परफॉर्म वन चीटिंग, यहाँ पे चीटिंग कर सकते हो. जब मैं 12th में था तो जो मैं करता था वो सिखा रहा हूँ. क्या कर सकते हम फ्रेंड्स, हम पहले यूनिट्स एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, टी यू एम यू वाई पे लिखेंगे, और पहले यूनिट 5 पे 28 पे डॉट करके पहले पट्टी से लाइन बना दो, स्ट्रेट लाइन, बाकी सब पॉइंट्स बाद में डिनोट करो. तो जब आप कव बनाओगे तो कंपलसरी कव को वहीं से पास ऑन करना है. देखो पेपर चेकर को नहीं पता है कि आपने पहले कव बनाया था कि पहले लाइन मारा था, उसने तो ये देख लिया स्ट्रेट लाइन आ रहा है, हल्के से स्ट्रेट लाइन बता देने का, हल्के से. तो योर डायग्राम इज 100% राइट. प्लीज ट्राई टू ड्रॉ दिस डायग्राम ट्वाइस इन योर नोटबुक, इन योर नोटबुक, प्लीज प्लीज. ये सब चीजें फ्रेंड जितना आप लिखोगे उतना समझ में आएगा. और ये डायग्राम, ये शेड्यूल कोई बुक से नहीं चुराया हुआ है फ्रेंड्स, ये कोई एग्जाम्पल आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, इट इज माई ओन क्रिएटेड एग्जाम्पल. ओके, तो प्लीज एंड प्लीज आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड स्टेइंग एट होम ओनली. फ्रेंड्स ये जो कुछ भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हम फिजिकली लेक्चर शुरू करेंगे आफ्टर लॉकडाउन, तो वी विल रिवाइज ऑल दिस थिंग्स, वी विल रिवाइज ऑल दिस थिंग्स. पर आप नोटबुक में अगर ये लिख पाते हैं तो प्लीज डू इट, प्लीज डू इट, तो रिवाइज करना इजी हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू सो मच.